हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में जो भी स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स हैं जो इंडिया से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो यूके हो या और बाकी सारी कंट्रीज़ हों, उनको आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उनको पूरी प्रोसेस को कैसे अप्रोच करना चाहिए और उनको इस प्रोसेस में हेल्प कैसे मिल सकती है। जैसे कि आपको पता होगा, इन द पास्ट मैंने एड्यू स्टोरी स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स के साथ वीडियो बनाई थी, एंड एड्यू स्टोरी एक स्टडी ब्रॉड कंसल्टेंसी है जिसको मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ, एंड उनके साथ मैंने पहले काफ़ी सारे कोलैबोरेशंस करे हैं। एंड सिंस मैं इंडिया में आया था तो मैंने उनको ऑफिस भी विजिट करा, उनको पर्सनली मैं मिला, एंड रिसेंटली मैंने जो भी उनके साथ प्रमोशंस करे थे पहले के, उसमें ड्रीम यूके के जो व्यूअर्स थे वो उनके टच में आए, एंड अराउंड 6 to 7 स्टूडेंट्स जो ड्रीम यूके की वीडियोज़ देखते थे उन्होंने एड्यू स्टोरी के थ्रू यूके की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया है, एंड उनको स्कॉलरशिप्स भी मिली है 8 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ की। सो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मेरे को लगा कि मेरे को और आपको इस बारे में थोड़ा बताना चाहिए, एंड आपको एड्यू स्टोरी की टीम से मिलवाना चाहिए और वो कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम खाली यूके की बात नहीं करेंगे, अगर आपका मन है यूके से बाहर जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करने का तो उनके बारे में भी आपको थोड़ी नॉलेज दी जाएगी। अगर आपको एड्यू स्टोरी से कॉन्टैक्ट करना है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर रहा हूँ, उस लिंक पे जाके आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है सो दैट एड्यू स्टोरी टीम आपको रीच आउट कर पाए, एंड उन्हें पता हो कि आप ड्रीम यूके के थ्रू आए हो ताकि आपको थोड़े एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल पाएँ। सबसे पहले मैं आपको एड्यू स्टोरी टीम से मिलवाना चाहूँगा, सो अमित सर हमें बताएंगे एड्यू स्टोरी टीम के बारे में। हेलो, थैंक यू ऋत्विक, माय नेम इज अमित राठी एंड आई अलोंग विद माय कॉलीग्स प्रशांत कपूर एंड गिरीश मेनी, बोथ ऑफ देम आर हियर, वी स्टार्टेड दिस वेंचर। We are now into study abroad consulting business. The only point I would like to say here is because of our corporate experience, we all have had 25-30 years of corporate experience. जो भी हम करना चाहते हैं हम वो करना चाहते हैं जो आपके लिए best हो, और उसी direction में हम आगे अग्रसर हो रहे हैं। That is what I would like to say. Over to Prashant and Girish. They will talk about and then I will hand over to Ritwik. सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये ना वीडियो हम बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे बिकॉज मैंने एड्यू स्टोरी के साथ बहुत सारी डिटेल वीडियोज़ बनाई हैं, तो आप उनको जाके तो देख ही सकते हो डिटेल में जानने के लिए कि एड्यू स्टोरी कैसे आपको हेल्प करता है। बट मैं प्रशांत सर से फिर भी बोलूँगा कि एक बार वो जल्दी से एक्सप्लेन कर दें कि प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन एरियाज़ में एड्यू स्टोरी कैसे कैसे स्टूडेंट्स को गाइड करता है और हेल्प करता है। हाय गाइस, प्रशांत, हम बच्चों को प्री एडमिशन में हेल्प करते हैं इन फॉर्म ऑफ अ गुड काउंसलिंग, कोर्स सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, प्रोफाइल बिल्डिंग, वर्किंग टुवर्ड्स स्कॉलरशिप, और एक बार जब ऑफर आ जाता है तो हम उनको असिस्ट करते हैं वीज़ा के लिए, फीस पे करने के लिए, लोन प्रोसेस के लिए, और फाइनली अकोमोडेशन सिलेक्ट करने के लिए। जब तक बच्चा वहाँ पहुँच नहीं जाता तब तक हम उसकी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो जब मैं स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स के टच में आया था उस टाइम मुझे बस इतना ही पता था कि जो स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स होते हैं वो आपकी एडमिशन प्रोसेस और वीज़ा प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि अकोमोडेशन सपोर्ट भी मिल सकता है, जो कि मेरे को लगता है कि ये काफ़ी अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया, प्लस लोन की गाइडेंस भी वो प्रोवाइड करते हैं जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मैं प्रशांत सर से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे यूके में 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है अभी के हिसाब से, तो बाकी और कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है, और किन किन कंट्रीज़ में एड्यू स्टोरी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं अगर उन्हें यूके ना जाना हो, कुछ और कंट्रीज के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हो? तो हम यूके तो करते ही हैं, उसके अलावा हम यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा का फैसिलिटी अवेलेबल है। हम सिंगापुर भी अप्लाई करते हैं, तो ये सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके कंट्रीज का भी और ऑल द ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल वो सब आप चेक कर सकते हैं www.edustory.com। ठीक है, तो सिंस आप ड्रीम यूके के व्यूअर्स हो तो थोड़ा बेनिफिट तो आपको मिलना चाहिए इस वीडियो से, तो अभी एक बार हम सर से पूछते हैं, हम गिरीश सर से पूछेंगे कि इस प्रोसेस में जो फी होती है वो कितनी चार्ज करी जाएगी अगर आप एड्यू स्टोरी के कॉन्टैक्ट में आते हैं। सर बताइए। हाय, तो ड्रीम यूके से जो भी हमारे पास आएंगे स्टूडेंट्स, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, उनके लिए हम कोई फी चार्ज नहीं करेंगे, तो फी विल बी जीरो।
तो सुन ही लिया होगा आपने। और ये हमने जो पिछली वीडियोस बनाई थी उसमें भी जो एड्यूस्टोरी टीम थी उन्होंने कोई भी पैसे चार्ज नहीं करे, एंड जिनको करे थे उनको रिफंड कर दिए। तो एड्यूस्टोरी जो है वो सीरियस स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं जो कि स्टडी अब्रॉड जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हों, इसलिए वो स्टार्टिंग में थोड़े चार्जेस जो होते हैं वो चार्ज करते हैं। बट सेंस जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को जानते हैं, काफ़ी सीरियस होते हैं, तो एड्यूस्टोरी इज़ नॉट चार्जिंग एनीथिंग इन द बिगिनिंग। सो स्टार्टिंग आपको अगर एड्यूस्टोरी से करनी है, स्टडी अब्रॉड गाइडेंस लेनी है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया में किसी भी पार्ट से हो, वैसे तो जो एड्यूस्टोरी का ऑफिस है वो नोएडा सेक्टर 18 में है और मेट्रो स्टेशन से लिटरली 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, एंड आप यहाँ पे आके इन पर्सन टीम से मिल सकते हो। बट अगर आप दिल्ली में नहीं रहते या फिर अगर आप यहाँ तक नहीं आ सकते तो एड्यूस्टोरी आपको इंडिया में कहीं भी बैठे बैठे ऑनलाइन आपको गाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन सारी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अगर आप मेरी वीडियो बॉम्बे से देख रहे हो, बैंगलोर से देख रहे हो, पुणे से देख रहे हो, या आप कहीं से भी देख रहे हो, किसी भी पार्ट से, हरियाणा पंजाब कहीं से भी, आप एड्यूस्टोरी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड उनसे बात कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग एंड आई एम नॉट गेनिंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस कोलैबोरेशन। द पॉइंट आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ दैट कि होता क्या है ना कि जो स्टडी अब्रॉड डिसीजन होता है वो बहुत बड़ा डिसीजन होता है एंड बहुत लोग होते हैं इस चीज़ में लोगों को, स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, बट सब लोग सही से गाइड नहीं करते, कुछ लोग अपना बेनिफिट देखते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को अगर गाइडेंस मिलनी चाहिए तो सही गाइडेंस मिलनी चाहिए। मेरे को भी इस चीज़ में एक्सपीरियंस है लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं स्टूडेंट्स की पर्सनल स्टेटमेंट्स में हेल्प कर पाऊँ, और ना ही मेरे पास उतना एक्सपीरियंस है जितना एक प्रॉपर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट के पास होता है, बिकॉज उनको पूरा दिन यही काम करना होता है। तो एड्यूस्टोरी मेरे को ऐसी टीम लगी जिनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है एंड वो स्टूडेंट का इंटरेस्ट ऊपर रखते हैं अपने इंटरेस्ट से, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। एक चीज़ बोल सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज़ सर। आपने जो बोला कि ऑनलाइन ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं और आपने बोला आप इंडिया के किसी भी प्रांत में, कोने में हो, आप हमारी सर्विस अवेल कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान नहीं, चूँकि हम ऑनलाइन हैं, आप लंदन में हो, आप तंजानिया में हो, आप बहरीन में हो, आप दुबई में हो, हमारे पास ये सारे बच्चे जो दूसरे के देशों में हैं, अगर वो मास्टर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं या यूजी प्रोग्राम करना चाहते हैं, वो बच्चे भी हमारे साथ, पेरेंट्स कनेक्टेड हैं। सो ऑनलाइन सर्विसेज आर अक्रॉस द ग्लोब एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्रॉम डिफरेंट कंट्री फ्रॉम इंडिया एज वेल, अदर देन इंडिया एज वेल। चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। बाकी अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई है जो कि मैं अभी चैनल पे पब्लिश करूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि एड्यूस्टोरी ने कैसे ड्रीम यूके के व्यूअर्स को हेल्प करी उनकी प्रोसेस में। तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको स्कॉलरशिप भी मिली है। तो जैसे कि आपने पीछे पोस्टर तो देख लिया होगा कि एड्यूस्टोरी ने 11 करोड़ की स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिलाने में हेल्प करी है इन अ सीज़न, ये टोटल अमाउंट है। जो स्कॉलरशिप है वो एड्यूस्टोरी का फोर्टे है, उनको काफ़ी अच्छे से प्रोसेस अप्रोच करनी आती है। तो मैं गिरीश सर से पूछूंगा कि वो स्कॉलरशिप में स्टूडेंट्स की कैसे हेल्प करते हैं, सर जल्दी से बता दीजिए। तो स्कॉलरशिप के लिए या इनफैक्ट पूरा एडमिशन के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिवर्सिटी देखती है वो ये देखती है कि स्टूडेंट ऑप्ट क्यों कर रहा है उस कोर्स के लिए, वो अपने फ्यूचर क्या देखता है उसमें। उसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है, उनका दे बेसिकली वांट एन ओवरऑल वेल राउंडेड पर्सनैलिटी जिसने को-करिकुलर एक्टिविटीज़ भी किया हो, जिसने सोशल वर्क भी किया हो। तो ये सब मिला के बहुत, सो हमारा स्ट्रेस जो रहता है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे रहता है उनके, जो बहुत हेल्प करता है इस एडमिशन में भी और स्कॉलरशिप दोनों में। ऑल राइट। सो ये तो आपको पता ही चल गया होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि मेरे भी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने एड्यूस्टोरी के थ्रू एडमिशन लिया था, तो तभी मेरे को एक्चुअली पता चला था एड्यूस्टोरी के बारे में। एंड फिर जिन लोगों ने मेरे चैनल के थ्रू एड्यूस्टोरी से बात करके एडमिशन लिया है, स्कॉलरशिप्स लिए हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। एंड जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीडबैक मुझे मिला वो ये था कि एड्यूस्टोरी कभी भी आप पे कोई यूनिवर्सिटी फोर्स नहीं करता। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ रिसर्च करी जाती है, आपकी प्रोफाइलिंग अच्छे से होती है एंड उसके हिसाब से आपकी जो पूरी प्रोसेस होती है वो आगे बढ़ाई जाती है। एंड देन उसके हिसाब से जो आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी प्रीवियस अचीवमेंट के हिसाब से जो मिल सकती है वो दिलाई
सिखाई जाती है, आपको फॉल्स प्रोमिसज नहीं करे जाएंगे या फिर आपको गलत सपने नहीं दिखाए जाएंगे। और अगर आप खुद भी सोच रहे हो कि आपको एक यूनिवर्सिटी में जाना है, अगर वो आपके कैलिबर से ऊपर की है तो आपको बता दिया जाएगा, अगर आपके कैलिबर से नीचे की है तो भी आपको बता दिया जाएगा, जो आपके लिए बेस्ट होगा वो इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी सो दैट यू कैन मेक द बेस्ट डिसीजन। इसके अलावा सर कोई चीज़ अगर आप लोग में से कोई ऐड करना चाहे तो? जैसे गिरीश ने बताया स्कॉलरशिप्स में हेल्प करते हैं, तो प्रोफाइल बिल्डिंग और एसओपी ये दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट के स्कोर्स, जो बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन प्ले करते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। काफ़ी सारे बच्चों को हम 9th-10th से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं टॉप कॉलेजेस ऑफ US, कैनेडा और UK के लिए फॉर प्रोफाइल बिल्डिंग, और उनका पूरा हैंड होल्डिंग करके उनको अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देना। और जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी हम बनाते हैं उनके लिए, उन पे मल्टीपल आइटरेशन होते हैं, तो अनलेस वी आर सेटिस्फाइड कि नहीं अभी इनका प्रोफाइल ठीक दिख रहा है तब तक हम उनको नहीं रोकते हैं, वो चलता रहता है प्रोसेस। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा जो सर ने मेंशन नहीं करी, प्रशांत सर एंड गिरीश सर, उनके जो बच्चे हैं वो भी इंडिया से बाहर ही पढ़ रहे हैं, जिनको स्कॉलरशिप्स भी मिली हैं, गिरीश सर की बेटी हैं वो UK में पढ़ रही हैं, तो उनको खुद इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो पर्सनली इस प्रोसेस से निकले हैं एंड मॉरली एंड एथिकली उन्होंने वो चाहते हैं कि वो समझते हैं कि दूसरे पेरेंट्स का क्या माइंड सेट होता है, स्टूडेंट्स का क्या माइंड सेट होता है, एंड वो पूरी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहते हैं, जो कि मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है एडिस्टोरी के बारे में। सो मैंने अब तक सारी अच्छी बातें करी हैं, क्योंकि मेरे पास और कुछ बुरा बोलने को तो है ही नहीं ना। तो अगर आपको ये सब चीज़ों में आपको लगता है कि आपकी भी हेल्प हो सकती है तो एडिस्टोरी को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इट्स एनी वे फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू शुड गेट इन टच विद देम। बट अगर आप इस प्रोसेस के लिए सीरियस हो देन ओनली आई वुड रिकमेंड, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप अगर सीरियस नहीं हो आप उनको रीच आउट करो और एडिस्टोरी का उसमें एफर्ट्स वेस्ट हों, बिकॉज एनी वे दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग अप फ्रंट, जो कि वो सीरियस स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए चार्ज करते हैं। बट दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसमें फॉर्म फिल करना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर दूंगा, एंड वहां से आप एडिस्टोरी का फॉर्म फिल करके उनसे आप कॉल बैक रिसीव कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम।